हरियाणा की बद्री विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गई है। इस सीट पर कुलदीप वत्स और बजरंग पुनिया के बीच टिकट हासिल करने की जंग चल रही है। कुलदीप वत्स बादली के मौजूद विधायक हैं, तो बजरंग पुनिया कुश्ती की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। बजरंग की बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, उनके साथ पहलवान विनेश फोगाट भी थी। बजरंग की राहुल से मुलाकात के बाद कुलदीप वत्स ने एक्टिव हो गए थे। उन्होंने केसी वेणुगोपाल से गुपचुप मुलाकात की। उन्होंने वेणुगोपाल से कहा कि बदली से मैं ही लड़ूंगा, मेरा क्या कसूर है। मुलाकात में वेणुगोपाल ने कुलदीप वत्स से सीट छोड़ने पर चर्चा की, उनको दूसरी सीट और बेहतर पद देने का वादा भी कर दिया, लेकिन फिलहाल कुलदीप वत्स सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में बजरंग पुनिया कुलदीप वत्स के बीच पेच फंस गया है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कुलदीप वत्स कौन है और जिस सीट पर उन्होंने 2019 में चुनाव में जीत हासिल की वो उसका क्या इतिहास मानते हैं। विधायक कुलदीप वत्स का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ, वहाँ के बादली विधानसभा के सुरहेती गांव में हुआ। वो एक सामान्य किसान परिवार से हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही पूरी की। छोटी उम्र से ही उनकी रुचि समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में थी। इसके चलते वो अपने सामाजिक कार्यों के जरिए जनता से जुड़े रहे। समाज सेवा करने और लोगों से बातचीत करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया। 1990 में अपने निरंतर सामाजिक कार्यों और राजनीति रुचि के कारण वो कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता बन गए और पार्टी के कार्यों में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने से लोगों के बीच उनकी पहचान बढ़ती गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई, जहाँ से उनकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया और तब से ही राजनीति में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हुड्डा के आशीर्वाद से पार्टी में उनका कद बढ़ता ही गया। उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वो सियासत की सीढ़ी चढ़ते गए और 2019 में पहली बार बादली सीट से विधायक बन गए। उन्होंने इस चुनाव में हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश धनखड़ को हरा दिया था। कुलदीप वत्स के खाते में इस चुनाव में 45,441 वोट आए, जबकि धनखड़ को सिर्फ 34,196 वोट मिले, यानी कुलदीप वत्स को 10,000 से अधिक वोटों से जीत मिली थी। बादली सीट को जानिए। बादली हरियाणा की वीआईपी सीट है। इस सीट से बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ विधायक रह चुके हैं। यहाँ पर कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। जनता पार्टी, समता पार्टी से लेकर INLD तक इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। हाल ही के चुनावों पर नजर डालें तो इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। 2009 में जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, तो 2014 में बीजेपी ने सीट पर कब्जा कर लिया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कुलदीप वत्स को दम पर वापसी की और जीत हासिल कर ली। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।